स्टूडेंट्स नाउ स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9A क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन सेकेंड के बारे में बात करते हैं। अमाइंड अर्न 7,500 रुपीस अ ईयर एंड स्पेंड 6,300 रुपीस अ ईयर, फाइंड द रेशियो। क्या कर रहा है वो? अर्न कर रहा है, यानी कि आपको अर्न को हम इसे लिखते हैं, अर्न कितना कर रहा है 7,500। एक्सपेंड को यस से लिखते हैं, स्पेंड कितना कर रहा है 6,300 रुपीज़। ये दोनों उसने क्या किया, ये कमाया और ये स्पेंड कर दिया। अच्छा, इसमें आपको सेविंग की बात आती है, सेविंग की बात आती है, सेविंग इनकम। अच्छा, यहाँ पहले आप सेविंग इनकम निकालेंगे, तो सेविंग इनकम निकालने के लिए क्या करते हैं, अर्न इनकम में से आप स्पेंड इनकम को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 7500 माइनस 6300 मीन 6,300। दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 5 में से 3 गया 2, 6 में से 7 में से 6 निकालेंगे 1, ये 00 तक लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 1,200 रुपीज़ ने सेव किया। एक वन ईयर की बात हो रही है। पहला आपका क्वेश्चन है, आप हीज इनकम टू ही एक्सपेंडिचर मीन्स कितना उसका, हीज इनकम मतलब पूरा इनकम उसका और खर्च दोनों का उसने क्या करा। आपको पहला रेशियो निकालना है, आप पहले का सर आप लिखेंगे सोल्यूशन में रेशियो इक्वल टू, पहले इनकम की बात किया है, इनकम अपॉन एक्सपेंडिचर की बात करता है। एक्सपेंडिचर का आपका कितना है, ठीक है, अर्न आपका है 7,500 अपॉन खर्च उसने कितना किया, स्पेंड कितना किया 6,300। दो जीरो कैंसिल आउट हो गया, ये आपका हो गया 75/63। अब बात क्या करते हैं, इसे डिवाइड करने की है। अब बात डिवाइड करते हैं, 3 से डिवाइड होगा, देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 बचा, 3 5 जा 15, ठीक, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, ये आपका हो जाएगा 25:21। नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, नेक्स्ट आप है हिज सेविंग टू हिज इनकम। तो सेकंड रेशियो के बारे में बात करते हैं, तो रेशियो आपका है, पहले तो क्या है, सेविंग अपॉन इनकम, इनकम सेविंग आपका 1,200 है, 1,200 और इनकम आपका है 7,500। दो जीरो कैंसिल आउट, ये आपका हो जाएगा 12/75। इसको भी 3 से डिवाइड करते हैं, तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6 और बच्चे का 1 3 5 जा 15। मिस रेशियो आपका हो जाएगा 4:25। ये आपका आंसर है। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।